हीरो टाइप से दिख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी हो गया है, वो आ रहा हूँ बोल के अभी आधा घंटा हम लोग वेट कर चुके हैं, तो यहाँ से जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। स्वागत है मेरे वीडियो में आप लोगों का। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए क्योंकि आज हम लोग हरगावा से शंकरगढ़ की सफर ये वाला बाइक में हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अनुज और मैं शिवशंकर दोस्त को लेने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग अनुज के घर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग रास्ते में हैं और रास्ते का व्यू आप लोगों को दिखाता हूं मैं। कुछ इस प्रकार से है क्योंकि हम लोग एक गांव में रहते हैं और गांव का नजारा कुछ इसी प्रकार से होता है। देख रहे हैं कि रोड के किनारे किनारे पेड़, पानी वगैरह इधर व्यवस्था है और इधर पानी का व्यवस्था इस कारण इधर कुछ सब्जियां फ्रेंड्स। हम लोग पहुंच गए हैं बचवार पहुंच गए हैं, अभी आप लोगों को दिखाता हूं यहां का नज़ारा। ये देखिए इधर, अभी हम लोग शिव भाई के पास मतलब जाते हैं या फिर कुछ सामान लाए उसको छोड़ लेते हैं, यही सोच रहे हैं। देखते हैं यहां पर दिख रहा है तो। ये देखिए शिव भाई अभी यहीं पे हैं, तो हम लोग मिल लेते हैं। जय श्री राम भाई। तो देख रहे हैं हम लोग अभी हम लोग भाई से मिल लिए, तो अभी हम लोग को थोड़ा तो शंकरगढ़ भी जाना है क्योंकि हम लोग सरसों लाए हैं, इसका तेल निकलवाना है। और शिव भाई यहाँ पर बहुत वेट किए इसलिए थोड़ा सा नाराज होंगे। देख रहे हैं इनका चेहरा देखिए थोड़ा सा। देख रहे हैं कि सो गया था लड़का क्योंकि आज रात भर नहीं सोया है। कुसमी से अंबिकापुर के लिए निकला था, फिर अंबिकापुर से अभी शंकरगढ़ आया है, अभी से हम लोग घर लेके जाएंगे। तो ये बचवार है जो कि कभी आप लोग आएंगे तो देख रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल टंकी है और यहाँ पर दुकान का हार्दिक स्वागत, यहाँ पर सरहुल पूजा के लिए हार्दिक स्वागत करके लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर सरसों पेरवान मतलब कि तेल निकल करवाने के लिए आए हुए थे, लेकिन देख रहे हैं कि दुकान बंद है। अभी हम लोग अब उतना दूर से आए हैं दोस्त को लेने और वो काम भी कराने, तो अभी हम लोग यहाँ पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल करते हैं। और यहाँ तो बोला गया है कि 6 बजे से 9 बजे तक मतलब खुलने का समय है, मतलब सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है, लेकिन अभी तक खुला नहीं है इसलिए अभी कॉल करते हैं। अभी देखना दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे अनुज को भी थोड़ा बुखार बुखार लगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग फोन किए और जो इसका मालिक है यहाँ लिखा है जैसे कि आशीष कुमार गुप्ता, उन्होंने फोन उठाया और बोले कि अभी तुरंत आ रहे हैं, तो हम लोग उनका वेट करते हैं थोड़ा देरी। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वो बहुत लेट कर चुके हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देरी रुकने के उतना हो सकता नहीं है। देख रहे हैं कि यहाँ पर शिव भाई लोग रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट। देख रहे हैं शिव भाई अभी हीरो टाइप से दिख रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी हो गया, वो आ रहा हूँ बोल के अभी आधा घंटा हम लोग वेट कर चुके हैं, तो यहाँ से जाते हैं। फ्रेंड्स तो अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और शंकरगढ़ की ओर प्रस्थान हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर नहीं हो पाया हमारा तेल पिरवाने के लिए जो गए थे हम लोग सरसों पिरवाने। अभी हम लोग शंकरगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पर जो भी सरसों पेरने वाले जो दुकान है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग अपना सरसों का तेल पिरवाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 3-3 जन बैठे हुए हैं, ये गलत है, जानते हैं 3 जन नहीं बैठना चाहिए, फिर भी हम लोग बैठे हैं। हाथ मांग रहा है ना जो है उसको थोड़ा काटना पड़ेगा।
अभी हम लोग रास्ता चेंज कर दिया और एक घर की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर उधर आगे थाना था, इस कारण उधर से हम लोग नहीं गए, अभी रूट चेंज कर दिया। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हम लोग देखिए किधर से किधर जा रहे हैं, देखिए रास्ता कैसे, देखिए क्योंकि फ्रेंड यहाँ बगल वाला जो है ना वहाँ पर थाना है, सीधा जाते तो थाना पड़ता हमारे हमें सामने में, तो हम लोग उसको छोड़ करके हम लोग दूसरे रास्ते में होते हुए जा रहे हैं जो कि देख रहे हैं गली से होते हुए। तो चलिए आप लोगों को वहाँ पर लेके जाता हूँ, उसके बाद आगे की वीडियो दिखाता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए क्योंकि अभी हम लोग यहाँ करके अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ पर मतलब तेल पिराता है, कहाँ की हम लोग को पता नहीं है यहाँ का, तो किसी को पूछते हैं। एक व्यक्ति से अभी पूछे कि तेल कहाँ पर आता है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग पीछे ही पर आता है, हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अभी हम लोग जाते हैं कोई श्रीराम करके दुकान है वहाँ पर तेल पर आता है। अरे यार ब्रेक कट, ओ माय गॉड, ले बच गया। अभी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा श्रीराम किधर है, अभी हम लोग बोलेंगे अभी देखिएगा। अरे अभी पहुँच गया श्रीराम के यहाँ, लेकिन दरवाजा बंद है, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स तो अभी श्रीराम दुकान भी बंद था, इस कारण अभी वो दुकान वाला अभी फोन किया था कि बोला कि दुकान खुल गया था, हम लोग वापस जा रहे हैं उसी दुकान की ओर लेकिन एक डर था कि थोड़ा सा हम लोग ट्रिपल लोडिंग है गाड़ी में, कुछ कुछ परेशानी है जिसके वजह से अगर चलान कट जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। देख ये वाला थाना है, तो हम लोग थाना से पार हो चुके हैं चक्की, तो हम लोग अभी बहुत खुश हैं। तो फ्रेंड वापस वही जा रहे हैं उसी दुकान से जहाँ पर आधा घंटा तक वेट किया था और दुकान नहीं खुल रहा था, अभी खुल गया है और फोन किया था वो लड़का, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। फ्रेंड्स अभी हम लोग दुकान पहुँच गए हैं और दुकान खुला है अभी, क्योंकि उस समय खुला नहीं था तो थोड़ा सा बाहर उधर गए थे घूमने, तो आप लोगों को यहाँ पर ही किराना ऑयल फ्लोर मिल है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर तेल मशीन है जहाँ पर तेल पेरते वगैरह, मतलब इसमें क्या बोला जाए तो सरसों वगैरह सभी प्रकार का तेल पेरा जाता है। मसाला इधर गिरता है जो कि देख रहे हैं, ये देखिए इसमें तेल लगा हुआ है, इसको और डाला जाएगा उसके बाद निकाला जाएगा। इधर तो देखो मशीन घूम रहा है, उसमें डाला जाता है सरसों, फिर उधर से निकल के इसमें घुस जाता है उसमें जब चक्की पीसते जो कि इधर निकल रहा है देख रहे हैं, उसके बाद जो भी मटेरियल है वो यहाँ पर आके जमा होता है। तो फ्रेंड अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसको, इस कारण वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो फिर अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो ठीक फिर गाइस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, धन्यवाद।